घर घर माती स्मृति रानी जी ओपी धनखड़ बचाओ हमें अनिल विच हर हर मोदी आएगा तो मोदी ही मोदी है तो मुमकिन है मैं भी चौकीदार रिपोर्ट हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार बचाओ हमें मोदी जी राम राम भाई सारे भाई है ना बच गए भाई बच गए डूबते को तिनके का सहारा बैठ भाई रहा भाइयो सरपंची का चुनाव ना लेगा लाइव आया सरपंची का चुनाव ना लेगा बातचीत बताई जाएगी धरते जो इबकाई भाई कह दा भाई तो पटे कुर्ते में वीडियो बनावा या तो पटे पजामे में वीडियो बनावा तो उसके कारण आ ये जितने एक्टिंग बाजी था ना देखी होगी नहीं नेताओं की समृति रानी सिलेंडर लेकर छाती पिट्टे थी ओप इधर खड़ा नीलवी सुभाष बराला सारे के सारे अर्ध नंगनों का प्रदर्शन करे थे तो इनकी सबकी एक्टिंग फैल कर दी मना मेरी एक्टिंग देख देख का कांग्रेस वाले की भी मुत नहीं हो रही भाई यहाँ एक्टिंग करता कांग्रेस वाले कुछ वो नू नहीं कर रहे उन्हें पता भजना बीजेपी वाले की पूरी मट्टी पीट दी इकजोन से टक्की लग रही नहीं है टक्की लग रही यह देख लियो अरे गोड्डे भैया देख लियो किसी भी दौड़े पजामे कुर्ते वाले विधायक का पजामा कटवा के देख लो कच्छे पे इससे बड़ी बड़ी टाकी लगी पावेंगी हालांकि माना लूट कर रच लिया पूरा लूट लिया ना हम पर ये टाकिया इससे बड़ी बड़ी इनके कच्छे पे लग रही बीबी पार्टी को नहीं आया थम जाओ तो इनके लजेंड ठेठा का पर सच्चाई या किसी विधायक ने रखवा का उसकी कार रखवा लियो ऐसे एक डंडा ले लियो और यू मैंने कपड़ा बांध रखा चार अंगड़ तेल नहीं इनकी कार में पाने का किसी भी विधायक की चार अंगड़ तेल नहीं है क्यों नहीं आ मरे पड़े भूखे हो रहे जमी नंग हो रही बीजेपी स्टेम नंग हो रही और हरियाणा का दुवालिया लिखट गया पूरे देश का दुवालिया लिखट रहा दुवालिया का मतलब था ना पता होगा दुवाला लिखट जा करा के भूख मरी यारी पूरी ना कड़ी रोजगार ना कड़ी कुछ हा एक एक चीज था ना पॉइंट के साथ बताऊंगा क्यों सरपंची के चुनाव नहीं हो रहे वहां भी था ना बिल्कुल खुलकर डिक्लेयर बताऊंगा एक एक चीज सबसे पहला भाई यो आ जाओ थम कड़ा भाई फोन फोन दे सबसे पहले एक लिस्ट पढ़ाऊंगा था ना थम को सिलेंडर मांग हो गया पेट्रोल मांग हो गया यहाँ चीजें मांगी को नहीं हुई जो जो कुछ मांग हो रहा है नहीं सारी लिख दे रही हो 2014 में पेट्रोल 65 रुपये का था आज 100 रुपये पहुंच रहा जिस सीमेंट की कीमत 2014 में 195 रुपये थी आज 415 रुपये हो रही 2014 में 1000 ईंट की कीमत 2000 रुपये थी आज 1000 ईंट की कीमत 7000 रुपया स्टील की कीमत 3000 रुपये थी आज स्टील की कीमत 7000 रुपया रेती की ट्रैली 1800 रुपये में आ जा रही थी आज 6000 मावा जिस मोटरसाइकिल की कीमत 50000 थी आज 90000 आ उसके बाद भाई यो मेडिसिन 1049 रुपये प्रति 1 लाख था मैकेडिलेम अब 4300 रुपये का डिश रिचार्ज 110 रुपये का था 600 रुपये का गैस सिलेंडर 410 रुपये का 1150 रुपये का पहला गैस सब्सिडी 250 रुपये मिले करे थी आज जीरो आ यातायात नियमों में उल्लंघन करने में पहला 100 से 200 रुपये का चलान था 500 से 10000 रुपये तक का चलान था 60 साल में देश पर 55000 रुपये करोड़ कर्जा था आज 1,33,000 करोड़ कर्जा ड्राइविंग लाइसेंस 1250 रुपये में बन जाएगा था 5500 रुपये में बढ़ा ग्रेलू असले का रिन्यू 1000 रुपये में हो जाएगा था 6000 रुपये में हुआ 40 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे थे आज खुद मोदी जी को 80 करोड़ लोगों थे गरीबा थे मुफ्त राशन दे रहे 5 किलो पहला 40 करोड़ थी इसमें मतलब 40 करोड़ और लोग बढ़ गए देश में उसके बाद रेलवे प्लेटफार्म की टिकट 5 रुपये की थी आज 20 रुपये की है मिट्टी का तेल 20 रुपये मिल जा रहा था आज 60 रुपये में भी कोई मिलता मोबाइल इनकम जारी रखने खातर 100 रुपये का रिचार्ज प्रति महीने करवाना पड़ा एटीएम में पीछे कटवाने खातर 3 बार से ज्यादा पीछे कटवा लोगे 105 रुपये लगेंगे उसके बाद भाई बेरोजगारी दर 3% थी आज 22% था कोई बड़ा अस्पताल नहीं बने देश में ना वाटरा जेल में जगह ना विश्वगुरु बने ना 15 लाख रुपया है कोई काला दल न्याय नीरव मोदी दाऊद विजय मालिया सारे के सारे बहरा 7 साल में कोई रोजगार नहीं ना गंगा मैया साफ हुई महिलाओं बजन से अत्याचार थे नूकर एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो ना बुलेट ट्रेन चली देश में तो भाई यहाँ चीजें तो इतनी बता दी थरते मना इब थम सुन लो नीरे भाइयों का नूकाना भाई चुनाव जैसे नहीं हो रहे हरियाणा में भाई आज हर जगह बीजेपी हार के डरते चुनाव नहीं करवा रही थरते एक सवाल है मेरा बीजेपी ना सरपंच अगर कोई सा भी हार जो कोई सा जीत जो सरपंच हमारे लिए सरोपरि है क्योंकि हम ना गांव में कोई भी भेड़ भक्त है जब सबसे पहला सरपंच का दरवाजा खटखटा हुआ ज्यादा हम जिला परिषद भग जा माल्य कभी घरों नहीं मिलते ना हमारा फोन ठान दे यह भी एक सच्चाई है
तो भाई यो बीजेपी काले का रहे और भाई कह रहे जो फेसबुक पर मुहिम चला रहे पोस्ट घेर रहे अग भाई बीजेपी हार के डरते चुनाव नहीं करवा रही। बीजेपी ने डरोंदार का 5 राज्यों में चुनाव हो उनका हार का डरोंदा जोंदा यूपी में उत्तराखंड में गोवा में मणिपुर में पंजाब में ओडा बीजेपी हार के डरते को नहीं डरी। राष्ट्रपति चुनाव होया और रामनाथ कोविंद टा दिया बेचारा क्यों टा दिया क्योंकि आदिवासियों की जमीन कोसनी वो जमीन कोसने का अतर द्रौपदी मुर्मू के साइन ची वहीं करके मुर्मू बनाई और रामनाथ कोविंद का क्या कसूर था 5 साल में सारा कुछ पता चल गया था उसका। मोदी तो खुद 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया 15 साल मुख्यमंत्री रह लिया उठा बिन रजे लोग उसते इसते सिर्फ 5 साल में रज लिए यू 5 साल में क्योंकि 10 तक नहीं करे थे आदिवासी की जमीन कोसने खातर मुर्मू ना गल आए वो करेगी 10 तक वो तो जमीन कोसने खातर बैठाई ऊपर। तो राष्ट्रपति चुनाव दिन डरे हरियाणा में 2 उपचुनाव लिए एक तो था उराई एलानाबाद में जिंगा पे चौटाला नस्ती पर दिया था किसान आंदोलन के दौरान दोबारा जीत गया। दूसरा था जिंगा बालू जीत्या थाना देखे भी होगा तो भाई यो इंद्रराज बालू जीत्या और इनका आया था योगेश्वर दत्त खड़ा थे बड़ौदा थे तो 2 उपचुनाव भी लियो था बीजेपी ने हार का डर निस्ताया। इब 2 महीने पहले जो चेयरमैन निके त्रोड़ी मां निगदू मां निसंग मां सारी जगह पूरे हरियाणा मां चेयरमैन निके यहां दूसरे चुनाव होया एमसी वाले तो उसमें बीजेपी ने हार का डर नहीं था भाई उसमें 25 बीजेपी के जीते थे 25 आजाद जीते थे। कांग्रेस तो नहीं बोली थी हमारा तो कोई समर्थित कैंडिडेट ही नहीं मन तो बिना सिब्बल के चुनाव लड़ेंगे वहां 25 के 25 आजाद जाकर बीजेपी के पछवाड़े में घुस गए था ना देखे भी हो गए का संत था उस पर 10वीं की डिग्री कोनी थी आजाद जीतता था बीजेपी ने डरा दिया तेरे पर केस चलाओगे तेरे पर 10वीं की डिग्री नक लिया वो जाके बीजेपी समर्थन दे बैठा तो ना चुनाव का डर डर तो कुछ नहीं। सरपंच मेरे का मां देवेंद्र वाल्मीकि तो देव वाल्मीकि बन जो वजीर वाल्मीकि बन जो तो दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई से भी बन जो दोनों के दोनों क्योंकि हमारे का मर जरमा तो उनमें तो दोनों बीजेपी ने कोई फर्क नहीं पड़ता सारे ने बीजेपी तले लगना जाएगा क्यों लगना क्योंकि 2.5 साल और इनका मैल पड़ा नहीं सोचा भाई हमारे गांव का विकास हो जा 2 ईंट तरी जाऊंगा गांव सरपंच का जात ज्यादा इतना फर्ज होगा तो यहाँ चुनाव क्यों नहीं करवा रहे यार उर का तो अपने दिमाग में तो काट देना कोई डर कुछ नहीं है बिल्कुल भी जो सच्चाई है वह थारे अगर सबूत के साथ पेश करूंगा चुनाव क्यों नहीं हो रहे। बीजेपी के कच्चे पटे पड़े टाकियां लग रही इससे बड़ी बड़ी है टाकी दो दिखा था ना यहाँ मेरे पास निरम मेरे गांव के भी कहा था तेरे पास कपड़े नहीं हम कपड़े दुआ वहां या हमारी गरीब आदमी की किसाना के असली कहा था जो मेरे याद अर्था ने भी याद होनी चाहिए हुआ और जब तक मैं पूरे ट्रैक्टर में नहीं घुसूंगा थारे बात भी नहीं समझ में आएगी कपड़े कुपड़े हैं मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है पर यह असली की कर रियलिटी में किसान ने क्या हालत ऐसी होकर गब सो भी कौन लाड़ दे तार ला रखा मना तो किसान ने क्या हालत होगी और जितनी मेरी किसान यूनियन सुन रही है तम ऊ तो खड़े जो पुंडर था किसी मुद्दे में माल खाना मुस्तर जमीन फलाना जमीन टिकड़ा जमीन इस टाइम प्यार जी रही ना 1700 रुपए में पिटन लग रहे हैं आदमी 1700 रुपये में प्यार जी रही ना। तो भाई ये मेरी सब किसान यूनियन की रिक्वेस्ट है बीके सर छोटो राम थे भी सारी थे चुड़ूनी वाले थे भी इस 1700 रुपये में जो किसान लुटन लग रहे हैं नी तो इन्हें जीरे का रेट का रखा 2050 रुपये 350 का प्यार के लोग आटा दे रहे मरते हैं आप तो 20 रुपये के झंडे नहीं फ्री दे सकते पीछा खट्टर मारा गजोली कर रहा था 5 किलो नाश दे दो और मतलब अपना तो यहाँ मतलब थोड़ा सा भी घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते और मारा 350-300 क्विंटल के लो पंचारे तो सारे किसी ने किस कह रहे 1 अक्टूबर तक सरकारी रेट आवे क्यों भाई जीरी मारी तैयार आ तो इब कोई मेरे घर में गया बैन वाली है मैं बैन वाली है मैं थोड़ी रोक लूंगा 1 तारीख तक जो पग्गी तो पग्गी उन्हें बारिश में सड़ावेंगे काट का सभी यूनियन रिक्वेस्ट है भाई ना 2050 रुपये में बिकवाई जाओ बिक दी 1 अक्टूबर ना बिकोनी उस दिन में 1900 रुपये की पर्ची काटेंगे हमारी 250 की लेवेंगे 1900-1800 में उसके बाद सुन लो भाई इतना ना जो बताना है बात सरपंची का चुनाव क्यों नहीं हो रहे बिल्कुल मुद्दे के साथ दुष्यंत चौटाला ना थोड़े दिन पहले 70% भाई मैं प्राइवेट नौकरी में आरक्षण दूंगा दे दिया दुष्यंत चौटाला ना 75% वह बात आई कोर्ट में पहुंच गई वह कोर्ट में किन्ना पंचायत बीजेपी मैन की थी घोषणा करी थी ये वो बीजेपी ने तड़े तड़े अपने किसी कुर्गिया पा अपने दल्या पौटा लगवा दी अपील हाई कोर्ट में दुष्यंत चौटाला उठा पहुंच गया तो दुष्यंत चौटाला अनुरोध नंबर बना लिया था अगर पर ना बीजेपी के लोग गठबंधन दारू में घोटाले कर रखे बीजेपी तो डराया बोली CDAD तेरे घरों भेज देंगे राम से बैठ जा तना जो राजनीति चमकानी थी चमकाली मारी बारी आ इन्हें तलियो तली उसके खिलाफ लगवा दी याचिका उठा 75% प्राइवेट नौकरियां वहां उनके खिलाफ लगवा दिया लगवाने वाले भी है या देने वाले भी है यहाँ दुष्यंत चौटाला ने इस बात का पता क्योंकि किसान ना आम आदमी पे इतना टाइम कोनी कोई हाईकोर्ट में जाकर खड़े हो गए नहीं की गेम हो खड़े की मारा फुद्दू बनाने खातर थम मना जागरूक करने यही मेरा परम धर्म सबसे पहला कर्तव्य यही है मेरा इन अपने आप याचिका लगवाई अब ताकि 75% नौकरी में आरक्षण ना देना पड़ा हाईकोर्ट में बात पंचायती उसके बाद आ जाओ सरपंची पा ये भी यहाँ सरपंची का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे उसका बता ना कारण बता दूंगा क्यों नहीं करवा रहे। किसी भी विधायक पर लगा लो या खुद मुख्यमंत्री पर लगा लो पटी पड़ी गोजी इनकी टाकियां लग रही कुछ ही नहीं इन पर ग्रांट देने पड़ेंगे गांव का विकास होगा नहीं सरपंच के द्वारा ही होगा और यहाँ मतलब इस चीज ने रोका 2024 से पहला कोई चुनाव कोई भाई अपना खर्चा नहीं करो कुछ नहीं करो कोई चुनाव नहीं होते 2024 से पहला इन्हें खींच कर उठाया चीज ले देनी है इवन पहला तो यहाँ
पिछले बार के चुनाव की सुन लो 2014 में उस टाइम बोले 10वीं 8वीं जरूरी है। थारी जीभ की अंखा फूट रही थी जब थारी सरकार बन रही 6 महीने मना लेने कानून कौन टावे था ना इन्हें लेट करने थे उस टाइम भी लेट करे ना 2 साल ई भी ना कोरोना का विभाग नजर दिए और विभाग नजर दिए तो मैंने कोरोना से बचाव थे मैं डूब दो आया कहते बनाई मना एक्टिंग कहते करी जहते करी मैंने डूब दो को नहीं बचाते हैं कोरोना मगर मैं मरूंगा नहीं जी भी बचावेंगे मैंने जी भी मेरा मास्क लावेंगे जी भी मरते हैं टिक्का लावेंगे मेरा सारे काम वोटा लूटने ना मिले ना और कुछ नहीं मिले था मैं मर जाना नहीं सेहत पर क्या सर एक वोट कम हो जाती जा अखबार में आ जाती किसान नेता भजन सिंह की डूबने से नहर में हुई मौत इतनी खबर थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं था तोड़ा को नहीं मानना बचाते लोगों का तो बवासीर भी हो रही लोगों के एड्स भी हो रही लोगों का चेचक भी हो रही लोगों का पता नहीं क्या क्यों उनका कहते हैं कैंसर भी हो रहा लोगों का ताजा भी हो रहा उनका क्यों नहीं बचाते कोरोना क्यों बचाओ तो साले थम मानना और चीजें देखे थारा बाप बचावेगा उसमें लुटन ना मिले थे ना जहां बचाओ तो उस चीज से मानना है और सुन लो जिनके जुमले ढकोसले बोले 8% आरक्षण कर दिया दलितों का बोर्ड के वहां ये भी ना गेम बैठाई भी साले ने चुनाव आगे किस तरह सरकार वहां एकदम तो कोई याचिका लाने के खिलाफ था ना सको जिंदा पहला खट्टर ने कहा 30 सितंबर से पहला मैं चुनाव करवा दूंगा चाहे तुम थूक का चाट लो बेतना कहा 30 सितंबर से पहला इसी महीने की 30 तारीख से पहला चुनाव करवा दूंगा तेरे पर चुनाव नहीं हो चाहे तो थूक का चाट चाहे 30 नवंबर पर चले गए 30 नवंबर तक किसी अपने बंदे पर याचिका लगवा देंगे 8% आरक्षण जो इन्हें दिया उसके खिलाफ इन्हें अपने बंदे पर थारा फुद्दू बनाने खातर किसान पा आम आदमी पर ना इतने पीछे आना कोर्ट खातर टेम हाई कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ खड़े होगा नहीं पता इतना टेम है किसान भाई इनकी अपनी गेम हो इन्हें चुनाव करवाने को नहीं क्योंकि थरते ग्रांट देने पड़ा सरकार का कच्चा पटा पड़ा दुआलिया लिख रहे हरियाणा का बेरोजगारी में सारी चीजों में कुछ नहीं बजमी भी ना इनके झंडे ठाओ ना इनके लावा जाओ जो है थारे घरों भी आ जाने कोई मल्ले थम चाह का कब भी पिया हुआ भी मांगा सड़े थे चाह तक नहीं पूछने इनके घरों आए हुए थे इनके पल्ला कुछ नहीं था ना यूज कर रहे जो थारे डंडा दिखाया डंडा ले लियो कत्तर बांध लियो इस चार अंगल के ऊपर इनकी गाड़ी में तेल नहीं पा सकता अपने घर इतनी दूर जाओगे जिनके तक चार अंगल पंचायत और जाकर वीडियो बना लेंगे मैं उरा ऐसा न्यू कर दिया मैंने वो कर दिया उसके बाद आज उसका जीता जागता सबूत दूंगा था ना उदाहरण दूंगा तो उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो जाओ भाई हो पहला तो छोटी सी वीडियो था ना कल परसों देखी होगी खट्टर ने अपनी जेब से दिए 2500 रुपए महिला को जिसकी पिल्सन रुक रही थी खट्टर जी नवीन जय हिंद की वीडियो देख लो पहला जो मुर्दा दरबार लग रहा ताऊ दूली चंद इतने दिनों पकड़ी ओडो फिर रहा उसने देखो चमेली ताई है मेरी नानी का नाम भी चमेली है चमेली ने देख लो अपनी बुआ ना वह पिल्सन खातर फिर रही जो जिंदा इनके स्यामी बैठा दूली चंद नु कार्य काम इसकी जांच करवाएंगे जो आदमी जिंदा है उसकी भी जांच होगी 7 दिन लगेंगे जांच होने में तो खट्टर जी उसने अपनी जेब से 2500 रुपए दे रहे मान के खट्टर जी चलो आपने 2500 रुपए अपनी जेब से दिए 3 सितंबर का अखबार आ 3 सितंबर इसी महीने की 3 तारीख का मुख्यमंत्री आज करेंगे 2000 करोड़ की 169 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास पड़ा भाई 2000 करोड़ रुपये इसी महीने की 3 तारीख यानी 20 दिन बाद कल परसों जो खट्टर ने 2500 रुपए दिया या अपनी जेब से दिया 2500 रुपए 2000 करोड़ में सिर्फ 2500 रुपए रह गए खट्टर जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं आपने कौन सी जीरी बेची कौन सी मूंगफली की खेती करी या कौन सा अपना चने बेचे जिसके आप 2000 रुपए मिले अपना आप बता रहे 2500 रुपए अपनी जेब से दिए फिर ये 2000 करोड़ रुपए कटते दिए यहाँ कटे गए वहां 2500 तेरी जेब के थे तो यहाँ कटे थे दिया अपना 2000 करोड़ रुपए यानी जुमला फिर इसका मतलब चपर मैं बताऊं भाई ये था ना यहाँ जनता की जेब से दिए यहाँ पीछे मारे हमारे टैक्स के 2000 करोड़ रुपए दिए यहाँ तुम्हारे टैक्स के जो 2500 रुपए दिए वो अपने दिए जो मोदी जी ने क्या करा अपनी कमाई से चलाते हैं मोदी जी अपना खर्च 8500 करोड़ का जहाज भी आ गया उस कमाई में 1000 करोड़ का वो संसद भी बना ली उसी कमाई में और 15 लाख के सूट भी पहन लिए उसी कमाई में पेन भी ले लिए 3 लाख को उसी कमाई में या कमाई मारी हो अपना इन पर कुछ नहीं होता सब कुछ मारा दियो होगा बसो दम फुद्दू इनकी बात माए रहो इनके वजन डिठा के इनके चलते रहो करना कराना कुछ नहीं ना और सुनो आगा इब खट्टर इन पीछे करा के जो थरते महंगाई दिखाई है सारे मुद्दे गणवाए भी इतनी महंगाई होगी इस पीछे का करा के कड़ा जावा पीछा हमारे 40 विधायक तोड़ना चाहती थी भाजपा केजरीवाल दिल्ली में ना केजरीवाल की सरकार घेरने की कोशिश करी 6000 करोड़ रुपये तैयार धरे थे तो दिल्ली में यहाँ सरकार नहीं घेर सके केजरीवाल की पूरा जोर ला लिया ना क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है इसने तोड़फोड़ नहीं कर सके पंजाब में भी तोड़फोड़ नहीं कर सके कांग्रेस वाले तो कटोरा उठावे फिर हम बेचारे चाहे पर ना ले चलो चाहे पर ना ले चलो उठी इनके तो कटोरे माल आना चाहो साले में कड़ी कर लो उसका भी एक जीता जाग तो उदाहरण दे दूंगा माल वाली जो बात कही है पूरा सीएम दिवंगत कामत समेत 8 विधायक भाजपा में शामिल गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका तो ना देखे और दिल्ली में इनकी दाल निकली ना जाकर कांग्रेस में जबकि वोटा बीजेपी की सरकार है गोवा में 40 विधायक का टोटल जबकि 25 बीजेपी के यहाँ तो ना देखे कुछ पाया था निशाने पीछे जुड़े जड़ाए रह गए 800 करोड़ रुपए तैयार दे रहे थे कड़ा किसके मथे में मारा है ना सोचा चलो बिकाऊ माल पड़ा गोवा में कांग्रेस के आटी खरीद लो सब रहेगा कुछ तो फायदा होगा पीछा एक आधा MP तो बढ़ेगा गोवा तो मरा इन्हें जाकर वहां खरीद लो बिकाऊ माल पड़े ही है कांग्रेस वाले ने कड़ी खरीद लो तैयार है तो बेचारे इन्हें तो सिर्फ टोकन दे मतलब है पेटी दे मतलब है और कहीं दे मतलब नहीं है ना इनमें ईमानदारी है ना जमीर है ना कुछ है तो ना दाड़ दे जोड़ा जाकर खरीद लिए भाई यो था ना कल देखे होंगे
मोदी जी के बयान सुना दू था आज वीडियो तो दिख दी नहीं कोनी, मैंने बाद में देखी, मैं अपनी वीडियो देखू, इसमें चलती को नहीं है वीडियो, नू नहीं चलती, धूप में दिखती को नहीं है, बात सुन लो क्या कह रहा। दोबारा सुनो, आवाज नहीं आई थी, बहुत कम लोग मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना उसकी माँ गुजराती। भाइयों बहनों, बहुत लोगों को, कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था उसकी माँ गुजरात की थी। स्मृति रानी तो उस घोड़ी की धार काट रहे थी, उसकी माँ की, जो चेतक घोड़े की माँ थी नी, उसकी माँ की धार तो स्मृति रानी काट रहे थी। उसका गोबर या थारी ताई निर्मला सीतारमण या उसका गोबर ठाए करे थी। उसका जाप्पा जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी, आनंदीबेन पटेल थी, गुजरात की मुख्यमंत्री मोदी के बाद बनी थी, उसने उसका जाप्पा करा था उस घोड़ी का। हमने बता के धार लेनी उस घोड़ी पे, इसकी माँ गुजरात की हो, इसकी माँ महाराष्ट्र की, इसकी माँ कर्नाटक की हो, हमने दूध पीना उसका घोड़ी का, चेतक की माँ की, माँ का दूध पीना हमने जाएगा, चेतक की माँ जो गुजरात की थी उसका दूध पिएंगे हम। और सुन लो, कल मोदी जी 8 चित्ते ले आए मध्य प्रदेश के, उसमें छोड़ बड़ी फांक रहे थे लंबी लंबी, अपने जन्मदिन में चित्ते ले आया, मैं फलाना ले आया, मैं ढिकड़ा ले आया। इब जोर से कुकर मुत्ते मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे और असली भाई किसान भाई गरीब जनता मेरी वीडियो देख रही हो ना देख रहे हो, सड़क कुकर मुत्ते जरूर आ लिए होंगे। एक काम करियो, जो कल चित्ते आए ना उसमें चार नारा चार मादा, तो काम करियो जो चार मादा नी, वो ऐसी एक रस्सी ले लियो, उसके अगल उनकी टांग जुड़ दियो पिछली, और सबसे पहला जाओ बैज का, यू काम सबसे पहला बीजेपी कुकर मुत्ते करेंगे। ऐसी रस्सी ले लो चित्ती है, चित्ती का उसकी टांग जुड़ लो दोनों पिछली, फिर लियो गुलाबी डब्बर बाल्टी, उसमें काटो उस चित्ती की धार, जो धार काट का सबसे पहले डब्बा भर का पिएगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा वो आदमी, जो सबसे पहले उड़ा पहुंचेगा। मैंने बता के करना भाई चित्ती का कौन से माना, इसमें वहां लेने ब्रांड लेने। और सुन लो भाई, इनकी जो सरपंची के चुनाव है मेरे भाई, बिल्कुल खर्चा नहीं करो ना, बिल्कुल भी अपना एक पैसा भी लगने नहीं दे सरपंच के चुनाव में। 2024 से पहला कुछ नहीं है, जमी कड़ी तक चुनाव नहीं होंगे, इन्हें जो टाइम अगले महीने की 30 नवंबर का, यानी 11वें महीने की 30 नवंबर से पहला काम करवा देंगे, जैसे मांगा अपने ही किसी आदमी पे संरक्षण के खिलाफ 8% के खिलाफ याच का लगवा देंगे हाईकोर्ट में, 1-2 साल फिर और गवावेंगे मुद्दे ना फिर, क्योंकि इन पर देन लेने का थर कुछ नहीं, पजामे पटे पड़े, टाकियां लग रही, बुरे हाल हो रहे, बंके दाड़े हो रहे, कुछ नहीं, खत्म हो रही कहानी, कुछ नहीं, इनके पल्ला बिल्कुल भी इनके टेकन नहीं जाना किसी ना, चुनाव को नहीं होता लिख कर ले लो, मैंने तो पिछले लाइव में कह दिया था सरते भाई सरपंची के चुनाव ने लेकर खास जानकारी दूंगा, तो इन यू का उसने कल करी दी, 30 नवंबर पहुंच गए, 30 सितंबर पे थे, 30 नवंबर पर पहुंच गए, या 2024 पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि इन पर देने खतर कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी कारा में तेल ही मुश्किल पड़ रहे हो, भी इतना जितना थरते बताया चार अंगड़ तो। और मैं थारा ज्यादा समय ना लेते हुए यही थरते बताना चाहूं था कि सरपंची के चुनाव बिल्कुल नहीं है, 1 रुपया भी इसमें वेस्ट नहीं करो, अपना काम पर ध्यान दो, इनकी बातें मनियाओ, इनके झंडे नहीं उठाओ, क्योंकि यहाँ खुद 20 रुपये का तो राष्ट्रीय ध्वज न बेचने लग रहे, और रुका रहे 2000 करोड़ रुपए दे दूंगा, जो कल और नवीन जय हिंद बेचारा बस भर कोड़ा विकलांगना लेगा, मेरे काम में 4 बूढ़े आदमी जिनकी पिल्सन नहीं मन रही, एक विकलांगा 5 हो गए भाई। यो कोई कमेंट में बीजेपी का सुन रहे हो या और कोई भाई कड़ी बैठे हो जिसने पता भाई उरा जानते समस्या का हल हो जाएगा, मैं पांचों व्यक्ति ने लेकर पहुंचूंगा, तोड़ा उनके कागज पत्र आधार कार्ड सब कुछ जमा करवा दूंगा, मैंने उनकी पिल्सन बनवानी है, धन्यवाद।